हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टैकल इन्फोसिस एग्जाम एंड सम बेसिक थिंग्स। सो गाइस, जो हमारे डे 5 की वीडियोस थी, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, सो हमारी जो लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है सो प्लीज़ जाइए और हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। उसके साथ साथ गाइस, जो आपका 16 मई को एग्ज़ाम हुआ था, अभी लास्ट मंथ हुआ था, उसके जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने 5 सीरीज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उसी प्लेलिस्ट में हमने उन्हें ऐड अप कर लिया है। सो गाइस, आपने अगर पजल्स क्वेश्चंस या और आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस चाहिए सो आप जाइए और उन्हें वॉच कर लीजिए, बिकॉज ये आपका लास्ट टाइम है। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, नॉट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ क्वेश्चंस, दैट मींस जो आपका ये वाला पेपर होने वाला है जून में, 13 जून को, दैट मीन्स टुमारो, इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होने वाली है जो आपका 16 मई था और 13 जून था। सो गाइस, चलिए उसी के बाद सो बात करते हैं। इससे पहले भी हमने इन्फोसिस के बारे में वीडियो बनाई थी। और जो आपका 13 जून को आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट आपका TCS स्मार्ट हायरिंग है, जो 6 और 7 जून को जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज थे उनके पास फिर से जो लिंक एग्ज़ाम लिंक वो रिसीव हो गया उनको। उसके बाद जो आपका इन्फोसिस का एग्ज़ाम है, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला था, जो आपका 16 मई को हुआ था, वो अब 13 जून को भी हो रहा है, उसमें भी जो स्टूडेंट्स रह गए थे या जो भी था वो उनका होने वाला है। सो गाइस, जो TCS के बारे में अगर आपको और भी कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए या आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, चीटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी TCS के जो प्लेलिस्ट थी उसमें डाल दी है, प्लीज़ आप वो जाके वॉच कर लीजिए। और मैं इन्फोसिस वालों से भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी जाइए और जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो और जाके वहाँ से गैदर कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके। बिकॉज गाइस, क्या होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और बीच में कोई अटक जाते हो क्वेश्चन में, या आपका जैसे सॉफ्टवेयर रुक गया, पावर कट हो गई, या और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मीन आपका जो जो लॉन्चर है वो स्टॉप हो गया, सो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, हम आउट ऑफ कंपटीशन हो गए, इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो वो सारी चीज़ें टैकल कैसे करनी है, या कोई ऐसे इश्यू आ जाए तो आपको कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए जिससे आप पहले से ही प्रिपेयर रहें इसलिए उन्हें वॉच कर लीजिए। उसके बाद का इस बात करते हैं जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं आज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इज टाइम अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, जैसे कि आपका TCS में हुआ था, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ है इन्फोसिस में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी इंटरचेंज सेक्शंस, हम सेक्शंस को या क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं, कैन वी स्विच क्वेश्चंस, मींस आप क्वेश्चंस को स्विच कर सकते हो, मींस लाइक आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद सेकंड आपको नहीं आता, आपने थर्ड पे पहुंच गए, ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं, कैन वी गिव एग्जाम बाय मोबाइल, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था, मेरे पास पर्सनल DM भी आए हैं स्टूडेंट्स के कि क्या सर हम मोबाइल से एग्जाम दे सकते हैं, ओके, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ऑनलाइन एग्जाम, सो इसके बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो या नहीं करनी चाहिए एग्जाम में। सो चलिए गाइस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इज टाइम अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टाइम अलॉटेड नहीं होता, बट क्या होता है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन का टाइम अलॉट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन है, लाइक फर्स्ट सेक्शन हो गया आपके एप्टीट्यूड का, उसमें आपको क्या होगा कि जो आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होने वाला है उसमें आपको आपको जो प्रॉपर जो एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा उसके लिए टाइम होगा, ना कि पर्टिकुलर आपको टाइम मिलेगा। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया, मीन्स आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा, हर सेक्शन का पर्टिकुलर टाइम होगा वो ही करना होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, उसके बाद और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैन वी स्विच क्वेश्चंस, सो गाइस आपको अटेम्प्ट करना ही होगा वो क्वेश्चन। सो गाइस आपको क्या होगा, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हुआ, आपने वो अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप करके सेकंड पे चले गए, तो आप फर्स्ट पर नहीं आ सकते, ये आपकी फर्स्ट थिंग है, दैट मीन्स आपको करना होगा वो क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, आप फॉरवर्ड जा सकते हो क्वेश्चन पे, मीन्स सेकंड क्वेश्चन से आप थर्ड क्वेश्चन जा सकते हो विदाउट अटेम्प्टिंग, बट जो आपका सेकंड क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, आप उस पर बैक नहीं आ सकते, मीन्स आप फॉरवर्ड जा सकते हो लेकिन बैक नहीं आ सकते, ये हो गया आपका सेकंड थिंग। उसके बाद बात करते हैं, कैन वी गिव एग्जाम बाय मोबाइल, देखिए गाइस इन्फोसिस TCS ये जो सारे आपके IT सेक्टर्स हैं ये सब रिकमेंड नहीं करते आपको कि आप मोबाइल से एग्जाम दो, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उससे आप एग्जाम दो अपना, मोबाइल या जो आपका टैबलेट होता है दैट इज टैब, उससे आप एग्जाम ना दीजिए। उसके बाद बात करते हैं मिस्टेक्स अवॉइड इन एग्जाम, देखिए गाइस फर्स्ट थिंग आपको जो हॉटस्पॉट है मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ हॉटस्पॉट अपना मोबाइल का यूज़ ना करें, बिल्कुल लाइक 99% चांसेस है कि आपको कहीं से रेंज नहीं होना, तो आप यूज़ कर लीजिए, बट फिर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो आपका मोबाइल है उसे आप ऐसी जगह पर जाइए एग्ज़ाम देने, फॉर एग्जाम्पल रूफ पे, आपका जैसे रूफ पे चले जाइए, छत पे चले जाइए, वहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ाम दीजिए, ना कि नीचे बैठ के या किसी रूम में बैठ के,
गेटिंग गाइज, ये आपका हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको जो एग्जाम होता है आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे कि आप इधर उधर देखते हो वो भी नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका सेकंड थिंग। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock से स्टार्ट होता है, सो आपको क्या करना है गाइज, आपको 9:30 या 9:15 पे अपना सब कुछ करके आपको बैठ जाना है, सारी चीज़ अरेंज करके, हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करके, स्पीड वगैरह चेक करके, सारी चीज़ें, पेन पेंसिल जो भी आपको कुछ रखनी है आप रख लीजिए डेस्क पे या जहाँ पे भी आप अरेंज करते हो, और जो आपका कैमरा है उसके सामने आप होने चाहिए। ये आप कंपलसरी रखिए कि आप कैमरा के सामने देखना नहीं आपको कैमरा में, लेकिन लाइक आपका हेड दिखता रहे, फेस दिखता रहे, फेस इन द सेंस लाइक आप अपना काम करते रहिए। ऐसे नहीं कि आपको कैमरा में देख के नीचे लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग भी चलिए वो सेकेंडरी चीज़ हो गई, चीटिंग भी आप देख लीजिए, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, इतना ही मैं बता सकता हूँ अपने ऑनलाइन वीडियोज़ में, बट आप देख लीजिए कि हमारा ऑनलाइन ग्रुप है, और जैसे भी आपको कुछ करना है हम जो हमारा लिंक होगा उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो गाइज मैं इतना ही बोल सकता हूँ, सॉरी। और उसके बाद अब बात करते हैं हम कि देखिए आपकी सेक्शन कट ऑफ होगी, दैट मीन्स आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। उसके साथ साथ जैसे आपने क्वेश्चन सारे कर लिए, मीन्स आपको छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस आपका सेक्शन कट ऑफ होने वाली है। और गाइज और कुछ स्टूडेंट्स का क्या डाउट था कि सर जिन्होंने 16 मई को एग्जाम दिया का, क्या वही क्वेश्चन रिपीट होंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपका स्लॉट होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 to 12 स्लॉट है, सो आपके जो एग्जाम है वो 1 to 3 में जो एग्जाम होने वाला है उसी डे उस दिन भी आपके सेम नहीं होते क्वेश्चन, मीन्स ना ही आपके 16th के क्वेश्चन और जो आपके 13th को 10 to 12 का एग्जाम है, ना ही उस टाइम में आपके क्वेश्चन सेम होने हैं, ना फिर आप ये समझिए जैसे आपका फर्स्ट स्लॉट है, जो सेकंड स्लॉट होगा आपके वो भी क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। सेम टाइप बोल सकते हो आप, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं बोल सकते। ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई नो टेलीग्राम ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं सारी चीजें, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, मीन्स देखिए पहले क्या होता है कि जो TCS होता है उसमें आपको फर्स्ट सेक्शन जैसे एप्टीट्यूड मिला है, सो आपको सबको एप्टीट्यूड मिलेगा, बट क्या होता है क्वेश्चंस आपके रीअरेंज कर देते हैं वो। फॉर एग्जांपल आपको 10th क्वेश्चन फर्स्ट मिला है और किसी सेकंड पर्सन को 10th क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन मिल गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए इन्फोसिस में क्या होता है, आपको सेक्शंस आगे पीछे मिलते हैं, मीन्स आपके जो सेक्शंस होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। दैट मीन्स आपके फॉर एग्जाम्पल 5 सेक्शंस हैं, सो क्या होगा कि आपको पहले एप्टीट्यूड मिल गया, किसी और को रीजनिंग मिल गया, किसी और को वर्बल मिल गया, ऐसे होता है। जैसे आपका सूडो कोड वाला सेक्शन होता है, किसी को 3rd सेक्शन मिल जाता है, किसी को 4th सेक्शन में मिल जाता है, ऐसे भी मैंने काफी स्टूडेंट से सुना हुआ है। सो गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो आप कन्फर्म हो गए उस क्वेश्चन को टिक कीजिए और तब जाके नेक्स्ट पे जाइए, ये नहीं कि स्किप कर देते हैं उसके बाद में हम आके कर लेंगे। सो बैक का कोई सीन ही नहीं है, आपको जो करना है तभी करना है, जो भी आपको टेलीग्राम वगैरह, जो भी हेल्प वगैरह, गूगल वगैरह, जो भी करना है आपको आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। बट कीप इन माइंड ये नहीं हो कि उन्हें ऐसा लगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, बिकॉज क्या है देखिए लाइफ आपकी है, प्रैक्टिस आपने की है, हार्डवर्क आपने किया है, और 1-2 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए, सो ये हम भी नहीं चाहते और आई थिंक आप भी नहीं चाहते होंगे। सो गाइज कल आपका एग्जाम है, हमारी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है, हमने भी आपके साथ मेहनत की है और आप भी ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, हार्डवर्क कर रहे होंगे। सो गाइज हम यही चाहते हैं कि आप जो भी हमसे जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और जो भी हमें वॉच कर रहे हैं बेस्ट विशेज आपकी हैं हमारी तरफ से। और चलिए अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट वगैरह होगा, इंटरव्यू डेट्स, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइज ऑल द बेस्ट फॉर टुमोरो, और घबराना नहीं है बिल्कुल, अच्छे से अपना एग्जाम देना है। सो चलिए गाइज ऑल द बेस्ट।